हेलो फ्रेंड्स, सुषुभनास किचन में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाली का बहुत ही हेल्दी एंड कंफर्ट फूड पांता भात या पखाला थाली की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड, आज का इस मज़ेदार रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाना ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। आप जो नॉर्मल राइस बनाते हो वो राइस सारी रात के लिए भिगो के रखना। और देखो यहाँ पर मैंने ये इसको छान के लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ पानी और यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ सॉल्ट। यहाँ पर हमने ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ऑयल और इस ऑयल का अंदर हमने ऐड कर दूंगी करी पत्ता और एक सूखी हुई मिर्ची। ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हमने ये जो पखाला जो रेडी करके रखी थी इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर इल्सफिसिस का ऑयल यूज़ किया, आप कुछ भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर लेमन का कुछ स्लाइस करके और ऑनियन का स्लाइस करके यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ और ऐड कर दिया हूँ ग्रीन चिली। ऐसी तरह मेरे पकाला बन के रेडी हो गई है। उसके बाद फास्ट यहाँ पर आइटम लिया हूँ दाल फ्राई और आलू भरता। यहाँ पर लिया हूँ पोटैटो फ्राई या आलू भाजा। उसके बाद यहाँ पर लिया हूँ चिंचिए भाजा। आप इसके साथ कुछ भी फ्राइड आइटम ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया हूँ कुछ फ्राइड हुई प्रॉन और यहाँ पर लिया हूँ इल्सा फिशेस। और ये सारे फिशेस मैंने फ्राई करने के टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सॉल्ट, रेड चिली और टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया हूँ और उसके बाद देखो यहाँ पर अच्छे से सारे मिक्स कर लिया हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया हूँ और उसके बाद एक एक करके सारे ऐड करके सारे को इसी तरह हमने फ्राई कर लूँगी। और जब ऐसी तरह रेड हो जाएगी तब हमने कढ़ाई से उठा लूँगी। देखो यहाँ पर एकदम अच्छे से ये फ्राई हो गई है। और उसके बाद देखो यहाँ पर सारे प्रॉन को ऐसी तरह फ्राई कर लिया हूँ और जब अच्छे से कड़ा हो जाएंगे, मतलब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तब हमने यहाँ पर कढ़ाई से उठा लूँगी। और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया हूँ पापड़ और ऐसी तरह मेरे पखाला थाली बन के एकदम रेडी है। आप कुछ भी फ्राइड आइटम इसके साथ ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमारा पखाला थाली बन के एकदम रेडी हो गई है। तो मेरे आज का ये थाली कैसा लगा आपको वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।